हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर ईवीएस टीचर अन्नू कंवर राठौड़ फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। हमने सिक्स चैप्टर पार्ट ए पढ़ लिया है, सिक्स चैप्टर का, जिसमें क्या क्या पढ़ा है अपन ने। कच्चा हाउस हाउसेस नीड क्यों है आपको, ज़रूरत क्यों है हाउसेस की, और हाउसेस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस। ठीक है, फिर हमने कच्चा हाउसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, वो पर टेम्परेरी होते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेन से। इस तरह से ये कच्चा हाउसेस आर फाउंड इन विलेजेस, और ये गांव ज़्यादातर गांव में मिलते हैं। ठीक है, पक्का हाउसेस किस किस से बने हुए होते हैं ये बताया था। पक्का हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वुड, सीमेंट, टाइल्स, कंक्रीट, मेटल, आयरन, आयन, इन सबसे बने हुए होते हैं। ये परमानेंट हाउस होते हैं, और ये दीज हाउसेज आर फाउंड इन सिटीज, ये सिटीज़ में मिलते हैं। ये सब हमने पढ़ा था ना। दे है हाउसेज हैव मैनी रूम्स, इनमें कई कमरे होते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ाया था आपको। उसके बाद जैसे कई टाइप्स होते हैं इनके, पक्का हाउसेज के कई टाइप होते हैं, जैसे फ्लैट्स, बंगलो, डबल स्टोरेड हाउस। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ अलग टाइप के हाउसेज भी पढ़े थे, जैसे बर्फ जो कोल्ड रीजन है उसमें जो घर बनाए जाते हैं स्नोफॉल वाले एरिया में, तो वो कौन से घर होते हैं, इग्लू, और जहाँ हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे टिल्ट हाउस, और जैसे कई जैसे ये कश्मीर में डल लेक है वहाँ पे हाउस बोट वाले जो घर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाए थे। उसके बाद में हमने क्या देखे थे, टू टाइप के हाउस और पढ़े थे, कौन कौन से, कैरवैन और टेंट। टेंट वाले हाउस क्या कहलाते हैं, मूवेबल हाउस कहलाते हैं, और कैनवान वाले हाउसेज ऑन व्हील्स कहलाते हैं। अब हम आगे चैप्टर्स का पढ़ेंगे। अब आगे देखिए आप, लविंग पीपल मेक अवर हाउसेज। कई लोग हम नीचे कुछ लविंग पीपल मेक अवर हाउसेज, नीचे कुछ आदमी दिए गए हैं जो हमारे मकान बनाते हैं। आर्किटेक्ट, एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान एंड डिज़ाइन फॉर ऑफ आवर हाउसेज। आर्किटेक्ट हमारे घरों के नक्शे बनाता है और योजना बनाता है उन्हें बनाने की। नेक्स्ट है आपका मैसन। मैसन है लेस ब्रिक्स एंड स्टोन्स टू कंस्ट्रक्ट द वॉल एंड रूफ्स ऑफ आवर हाउसेज। लेबर्स हेल्प द मैसन। अब जो मेसन है वो क्या करता है, ईंटों और पत्थरों से हमारे घर की दीवारों को और छतों को बनाता है, और जो मजदूर है उसकी मेसन की मदद करते हैं, मेसन यानी मिस्त्री की मदद करते हैं। उसके बाद है आपका सेकंड हेल्पर, कारपेंटर। कारपेंटर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन मेकिंग ऑफ हाउसेस। कारपेंटर भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे घर बनाने में। ही मेक्स द डोर्स, विंडोज एंड अदर वुडन आइटम्स फॉर द हाउस। वह हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियाँ और अन्य लकड़ी के जो आइटम्स हैं वो बनाता है। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन लेज इलेक्ट्रिक वायर्स ऑल ओवर द हाउस एंड फिक्सेस ऑल द इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रीशियन है वो क्या करता है, आपके घर में जो वायर्स हैं, बिजली के जो वायर्स हैं उनको पूरे घर में फिक्स करता है उनको, और बिजली का कनेक्शन चालू करता है आपके घर में लगाता है। नेक्स्ट है आपका प्लम्बर। प्लम्बर फिक्सेस द टैप्स, वाटर पाइप्स एंड शावर्स इन आवर हाउसेज। जो प्लम्बर है वह आपके घर में क्या करता है, नल लगाता है, पानी की पाइप पूरे घर में, पानी की पाइप घर में लगाता है, और शावर्स जो आप बाथरूम में नहाते हैं ना वो भी हमारे घर में कौन लगाता है, प्लम्बर लगाता है। नेक्स्ट है पेंटर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए हाउस वाइट वॉशिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। घर की संपन्नता या घर के पूर्ण होने के लिए वाइट वॉश करवाना बहुत जरूरी है। पेंटर पेंट्स द वॉल, डोर्स एंड विंडोज। पेंटर जो है वो दीवारों, गेटों, ये दरवाजों और खिड़कियों पर रंग करता है।
इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। अब मैं आपको इसका रिकैप बता देती हूँ ताकि कुछ और भी छूट गए तो वो आपके अगर ध्यान से ध्यान में नहीं है तो वो इस रिकैप से आ जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ए हाउस इज ए प्लेस वेयर वी लिव इन, एक घर जहाँ हम रहते हैं। मेनली द हाउसेज आर ऑफ टू टाइप सच एज कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउस। मुख्य रूप से दो तरह के घर होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेस, कच्चे घर ज़्यादातर गांव कहाँ मिलते हैं, गाँव में मिलते हैं। कच्चे घर गाँव में मिलते हैं। हाउस बोट्स आर फाउंड इन द लेक ऑफ कश्मीर एंड केरला। जो हाउस बोट है वो कश्मीर की जो झीलें हैं और केरला में मिलते हैं। मेनली पीपल वर्क टू बिल्ड ए हाउस, अनेक लोग घर बनाने का कार्य करते हैं। जैसे अब इसके जैसे लेबर्स हुए, मैसन हुए, कारपेंटर हुआ, पेंटर हुआ, और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब क्या है, हेल्प करते हैं अवर हाउसेस में अपने हाउस बनाने के लिए। टिक द करेक्ट आंसर। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, ऑल ऑफ दिस, सभी से बचाता है। ए हाउस बोट इज फाउंड इन, हाउस बोट कहाँ मिलते हैं, कश्मीर में। विच, दिल्ली, मेरठ, कहाँ मिलता है, कश्मीर में मिलता है। विच थिंग्स आर नॉट यूज टू मेक ए कच्चा हाउस, ब्रिक्स, क्योंकि ईंटों से क्या पक्का हाउस बनता है तो कच्चा हाउस के लिए ज़रूरी नहीं है। हाउस ऑन व्हील्स इज नाउ एज टेंट, कैनवास और स्टिल्ट हाउस। तो टेंट तो क्या है, कपड़े से बनता है, स्टिल्ट हाउस पहिए पर कौन सा चलता है, कैनवास, कैनवेन, क्या बनता है, कैनवेन आपके पहियों पर चलने वाला घर होता है। विच हाउस इज मेड अप ऑफ स्नो और बर्फ से कौन सा घर बनता है, इग्लू। हु लेज ब्रिक्स एंड स्टोन्स टू मेक द वॉल्स, कौन बनाता है आपके ईंटों और पत्थरों से दीवारें, कौन बनाता है, मैसन, मिस्त्री। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनके द्वारा आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। इग्लू, परमानेंट, आर्किटेक्ट, वुड, कच्चा हाउस। ब्लैंक इज ऑल्सो नाउ एज टेम्परेरी हाउस, कौन से टेम्परेरी हाउस होते हैं, कच्चा हाउस इज ऑल्सो नाउ एज टेम्परेरी हाउस। हाउस बोट इज मेड अप ऑफ, हाउस बोट किससे बने हुए होते हैं, वुड से, लकड़ी से। पक्का हाउस इज नाउ एज ब्लैंक हाउस, किस तरह का, परमानेंट हाउस। पक्के घर स्थाई घर होते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर आप देखिए, फोर्थ नंबर। ब्लैंक मेक्स द प्लान एंड डिजाइन ऑफ ए हाउस, आपके घर के की योजना बनाने की योजना और नक्शे कौन बनाता है, आर्किटेक्ट, TECT. ब्लैंक इज मेड अप ऑफ स्नो, इग्लू, स्नो से कौन से घर बनते हैं, इग्लू। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा एंड पक्का हाउसेस, ट्रू, टी लिखोगे। इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रीशियन सभी जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस है उनको फिक्स करता है, ट्रू। आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान एंड डिजाइन फॉर एन आइडियल हाउस, ट्रू, आर्किटेक्ट ही तो प्लान करता है। पक्का हाउस इज द मोस्ट कॉमन इन विलेजेस, नो, फॉल्स, क्योंकि कच्चा हाउस इज द मोस्ट कॉमन इन विलेजेस, ज़्यादातर जो कच्चे हाउस बनते हैं विलेजेस में, पक्के हाउसेस तो सिटीज में बनते हैं ना, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। मैच द फ्लोइंग पेयर्स, हाउस ऑन व्हील्स कौन से होते हैं, हाउस ऑन व्हील्स कौन से होते हैं, कैनवेन, ठीक है ना, कैनवेन क्या है आपके, कैनवेन आपका क्या है, कैनवेन, हाउसेस ऑन व्हील्स। पेंटर, पेंटर के लिए लिखेंगे पेंट्स द हाउस। कैनवास हाउस, टेंट,
अर्ली ह्यूमन बींग्स केव्स में रहता था। इग्लू डॉम शेप्ड रूप्स, ठीक है ना, इस तरह से ही आपको फिल करने हैं। उसके बाद आप देखिए, व्हाई डू यू नीड ए हाउस, ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन और स्टॉर्म, सो वी नीड ए हाउस। हमें घर की आवश्यकता क्या होती है, घर हमें सर्दी गर्मी बरसात और आंधी तूफान से बचाता है, से सुरक्षा करता है, इसलिए हमें घर की जरूरत है। हाउ डिड द अर्ली मैन प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, पहले का आदमी जो था वो जानवरों से अपनी सुरक्षा कैसे करता था। अर्ली टाइम्स पीपल लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, खुद को पहले पुराने समय में या पहले समय में लोग खुद को जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए गुफाओं में रहते थे। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, कच्चा हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेस बट पक्का हाउसेज आर फाउंड इन सिटीज, कच्चे घर ज़्यादातर गांव में मिलते हैं और पक्के हाउसेज ज़्यादातर सिटीज़ में मिलते हैं। वट टाइप ऑफ हाउसेज, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कच्चे हाउसेज आर टेम्परेरी हाउसेज बट पक्का हाउसेज आर परमानेंट हाउसेज, तो कोई भी डिफरेंस लिख सकते हैं आप, बुक में से भी लिख सकते हैं। वट टाइप ऑफ हाउसेज है स्टिल्ट हाउस, स्टिल्ट हाउस किस तरह का घर है, ए हाउस स्टैंड ऑन बम्बू और वुडन पिलर्स आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस, जो बम्बू और लकड़ी के स्तंभों पे खड़ा हुआ जो घर है वो स्टिल्ट हाउस कहलाता है। हु हेल्प द मेसन इन बिल्डिंग ए हाउस, लेबर्स हेल्प द मेसन इन बिल्डिंग ए हाउस, जो मजदूर है वह मिस्त्री की मदद करता है घर बनाने में। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप सभी बच्चे इसे इनके क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे और बुक एक्सरसाइज है वो आप किस में करेंगे, बुक में ही करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और सभी बच्चों से मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे इस साल ख़राब नहीं करेंगे इस साल को और रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे। क्योंकि बेटा तुम अगर अब अगर पढ़ाई नहीं करोगे इस साल तो आपने जो तीन चार साल नर्सरी LKG UKG और प्रेप फर्स्ट चार पाँच साल की पढ़ाई आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आपको रेगुलर वीडियोस देखने चाहिए और अपना वर्क प्रॉपर कंप्लीट करके रखना चाहिए। थैंक यू।